नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपने अपने ज़िंदगी में आयस मौज कर रहे होंगे। थंबनेल में आपने ज़रूर देख ही लिया होगा कि एक फाइटर जेट, वो भी अमेरिका से, इंडिया में आया है। जी हां, आपने सही सुना, एक फाइटर जेट जो कि दुनिया का सबसे आधुनिक, अत्याधुनिक फाइटर जेट माना जाता है, जिसका नाम है F-35 एयरक्राफ्ट। ये एक 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट है दोस्तों, और ये भारत में आया है। देखिए जी न्यूज़ का मीडिया रिपोर्ट क्या कहते हैं। वर्ल्ड्स मोस्ट एडवांस F-35 जेट फाइटर जेट मेक्स डेब्यूट एट एरो इंडिया 2023। किस तरह से एक न्यूज़ आउटलेट कहती है कि ये वर्ल्ड्स मोस्ट एडवांस फाइटर जेट है, इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना एडवांस हो सकता है। और आपके मन में ये ज़रूर चल रहा होगा कि आखिर USA ने क्यों F-35 फाइटर जेट को इंडिया भेजा है, आखिर क्यों ऐसा किया है USA वाला। मैं भी शुरू से यही सोच रहा था कि आखिर USA अचानक से कैसे बौरा गया, अचानक भेज दिया कि जा बे तुम हम इंडिया में जा और वहाँ पे पहुँच जाओ, दो F-35 एयरक्राफ्ट। क्या वो हमला करने के लिए यहाँ पे आया है? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, या तो अपना जलवा दिखाना आया होगा। लेकिन अचानक इस तरह से यहाँ पे आ जाना एक शक का घेरा रखता है और सोच में डाल देता है किसी को भी कि आखिर ऐसा क्यों। तो इन सब चीज़ के लिए 3 रीजन्स है कि क्यों USA ने एयरक्राफ्ट भेजा है। सबसे पहला रीजन तो होता है कि एक बिजनेस स्ट्रेटेजिक डील के तौर पर USA ने, तो देखिए पहला रीज़न यह है कि एक बिजनेस डील के तौर पर भेजा है अमेरिका यहाँ पे। दूसरा रीज़न ये है कि स्ट्रेटेजिक सो सपोर्ट, तो इसका मतलब ये है कि अपने आप का एक क्षमता दिखाने के लिए अमेरिका इंडिया में भेजा है। और तीसरा रीज़न है कि रसिया से एक तरह से चुनौती देने के लिए कि जानता है कि इंडिया एक ऐसा देश है जो अपना मैक्सिमम जो फाइटर जेट हो गया, जितना भी वेपन इक्विपमेंट हो जाता है, वो रसिया से ही खरीदता है। तो एक तरह से उसको चैलेंज करने के लिए कि नहीं, आप वहाँ से ना खरीदे, मेरा से ही खरीदे। और आपको ये बता दें कि F-35 एयरक्राफ्ट जो है वो बहुत ही दुनिया का सबसे एडवांस है और बहुत ही गजब के उसके में फीचर्स हैं। एक न्यूज़ आउटलेट है जिसमें देख सकते हैं क्या कहता है। विथ अ रेंज ऑफ 900 किलोमीटर, ऑस्ट्रेलिया टू इक्विप फर्स्ट F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट सुपर हॉर्नेट विथ कटिंग एज JASSM-ER मिसाइल्स। तो इसका मतलब यह है कि F-35 में JASSM-ER मिसाइल्स लोडेड होता है, जो कि कम से कम 900 किलोमीटर तक जाके किसी को भी मार सकता है, समझ सकते हैं। और हाल ही में इसे ऑस्ट्रेलिया ने खरीदा भी है और अपलोड भी किया है JASSM-ER वाला, जो भी JASSM जो भी नाम था, वो अपलोड किया है 900 किलोमीटर तक मार सकता है, समझ सकते हैं। बहुत ही खतरनाक टाइप का ये फाइटर जेट है। वीडियो में किस तरह से एकदम एडवांस, अरे हाय हाय, देख के तो मजा आ जाता है। और इसका सबसे बड़ा खासियत ये है, और F-35 में एक बड़ा यूनिक टाइप का फीचर है कि वो वर्टिकली अपने आप को ऊपर उड़ा सकता है। जी हाँ, आपने सही सुना, वो एक वर्टिकली, एक तरह से जैसे कि कोई भी और फाइटर जेट को देखते हैं तो वो सीधा दौड़ते जाता है और एक अपने स्पीड में जाके उड़ता है ऊपर में। लेकिन F-35 का ये खासियत है कि वो नीचे से लेकर डायरेक्ट, जैसे कोई हेलीकॉप्टर को देखे ना, कैसे अपने पंखा उड़ते उड़ते सीधे ऊपर उड़ जाता है, वही खासियत है F-35 में। समझ सकते हैं कितना एडवांस ये फाइटर जेट है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत में जो F-35 जो आया वो F-35A था, जो कि नॉर्मली जो जैसे दौड़ के उड़ता है उस तरह का वो फाइटर जेट था। और उसका और भी एडवांस फीचर है, F-35A हो गया जो इंडिया में आया था, और F-35B है जिसे जो मतलब वर्टिकली ऊपर उड़ सकता है, वैसा खासियत था। F-35C भी होता है जो उससे भी ज़्यादा एडवांस होता है, दोनों से भी ज़्यादा एडवांस होता है। ऐसा ऐसा F-35 का फीचर्स है और इसका मॉडल है जो कि अमेरिका वालों ने बनाया है। और इनके और सारे फीचर्स की बात करें तो F-35 को कोई भी रडार डिटेक्ट नहीं कर सकता है, लेकिन एक तरह से एक गुप्त सूचना की तौर पे बोला जाए तो S-400 जो दुनिया का सबसे बढ़िया अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम कहा जाता है, वो S-400 जो कि रसिया बनाया है, उससे इसको डिटेक्ट किया जा सकता है, ऐसा कहा जाता है। सब तो बात की बात है, वो डिटेक्ट करे ना करे उससे हमसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आपके मन में आ रहा होगा कि F-35 आखिर इंडिया में आया ही क्यों, आखिर क्या रीज़न है कि वहाँ यहाँ पर आया है,
आपको ये सोच में नहीं डालता है कि आखिर वो आया क्यों? तो सिंपल रीजन है कि अब इंडिया भी कोई कम नहीं रहा है कोई भी देश से, और इंडिया बना रहा है AMCA एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जो कि एक भारत का फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट है। न्यूज आउटलेट इंडिया टुडे क्या कहते हैं, इंडिया ओपन्स इट्स स्टेल्थ फाइटर जेट प्रोग्राम टू प्राइवेट प्लेयर्स। एक तरह से टाटा हो गया, L&T हो गया, महिंद्रा हो गया, इन सभी को वो कोलाबरेट कर रहा ताकि आप लोग आइए और अपने देश के प्रति कुछ योगदान दीजिए और हमारे जो एयरक्राफ्ट है उसको बनाने में मदद कीजिए। तो ये AMCA जो एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है, ये फिफ्थ जनरेशन का एयरक्राफ्ट जो इंडिया बनाने वाला है DRDO की तरफ से, तो इसी को देखते हुए अमेरिका बहुत चालाक है और चाह रहा है कि नहीं अपना तुम जो बना रहे हो उसको मत बनाओ और मेरा से F-35 ले लो, बना कर रहो खरीद लो डायरेक्ट, काहे दिमाग लगा रहे हो, ऐसा कहना है अमेरिका का। तो इसीलिए एक तरह से सीक्रेट न्यूज़ भी पता चला है कि हो सकता है अमेरिका यहाँ पे आया है क्योंकि वो F-35 फाइटर जेट को एक तरह से प्रपोज करने के लिए आया है कि नहीं आप इसको ले लीजिए, बनाने कोई जरूरत नहीं, हम लोग है ये हैं, ये दोगला पंती वाला काम तो जान ही रहे हैं, अमेरिका का हमेशा से वही रहा है कि नहीं बना कर हम है ये हैं, कहीं भी जैसे न्यूक्लियर बम बनाना है बना कर हम हैं, तुम लोग साइन कर लो, तुम लोग कहीं नहीं बनाओगे, हम तुम लोग हेल्प करेंगे। फिर कभी युद्ध हुआ तो नहीं उधर इधर उधर उधर करके वाली अपना सामान बेचत रहेगा, हो गया उसका काम, संदोगलापंती करते रहता है। लेकिन इंडिया वाला आजकल बहुत तेज हो गया है, ये मोदी गवर्नमेंट है, बैंड बजा देता है किसी का भी। और इसी को देखते हुए इंडिया रिजेक्ट भी कर चुका है F-35, F-16 को, F-22 को, और F-35 को वो आने वाले दिन में रिजेक्ट ही कर देगा क्योंकि हमको पता है कि अब इंडिया वो इंडिया नहीं रहा जो हर चीज़ को खरीदता है, अब इंडिया में मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तौर पर बहुत सारे चीज़ आ गए हैं जिसे इंडिया खुद अपने देश में बनाना चाह रहा है और फुल सपोर्ट है सब तरफ से जी, इसीलिए बना रहा है। और रहा बात F-35 को खरीदने का, अगर इंडिया खरीदता भी है तो F-35 कोई सस्ता चीज़ नहीं है, ये बहुत ही महंगा प्रोडक्ट है और इसको खरीदने के लिए हमारे पास पैसा तो है लेकिन भी बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा, उतना पैसा हम लोग कितना न कितना लोग फिफ्थ जनरेशन का हम लोग खुद से एयरक्राफ्ट बना सकते हैं, बस थोड़ा सा मेहनत लगेगा लेकिन हम लोग बना सकते हैं। मानते हैं कि अभी उतना भी हम लोग आगे नहीं बढ़े लेकिन अगर हम लोग कोशिश करें तो हम लोग के लिए कोई बड़ा बात नहीं है, हम लोग हर एक चीज़ को हासिल करना जानते हैं। एक रिपोर्ट कहता है कि जो F-35 जो कनाडा कुछ दिन पहले खरीदा था उसका देखिए प्राइस क्या होता है, कनाडा टू पे अ वूपिंग 450 मिलियन पर F-35 स्टेल्थ फाइटर व्हेन एक्चुअली कॉस्ट ऑफ US एयरक्राफ्ट इज लेस देन 100 मिलियन। समझ सकते हैं 450 मिलियन, तो अगर मान लीजिए अगर भारत 10 को भी अगर एयरक्राफ्ट ऐसा खरीद ले तो हम समझ रहे हैं कम से कम उसको 10 से 12 बिलियन मतलब 40-50 हजार करोड़ रुपया उसको देना पड़ेगा। और इसी को देखते हुए बहुत महंगा पड़ेगा जी, और इसी को देखते हुए रसिया भी एरो इंडिया 2023 जो अभी कुछ दिन 13 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है उसमें रसिया भी अपना स्टेल्थ फाइटर भेजा है सुखोई SU-57 बेंगलुरु में, तो मतलब एक तरह से लड़ाई चल रहा है अमेरिका और रसिया में कि दोस्ती बनाए रखेंगे हम लोग। F-35 भी कम नहीं है और रसिया का Sukhoi-57 भी कम नहीं है, दोनों एकदम दुनिया में महारत हासिल है दोनों में, एकदम एडवांस सबसे ज़्यादा एडवांस फाइटर जेट में से आता है सब कोई, दोनों कम नहीं है, इसलिए देखते हैं अब तो क्या होता है। इंडिया भी इस रेस में आगे निकलना चाह रहा है इसलिए इंडिया भी फिफ्थ जनरेशन का इंडिया तो 6th जनरेशन का डायरेक्ट बनाने की कोशिश कर रहा ताकि फेल भी हो जाए तो 5th जनरेशन हम लोग आकर अटक जाएंगे, ऐसा सोच रहा है इंडिया। और बात करते हैं कि अभी देखिए बात ऐसा है कि हम लोग इंडिया अमेरिका का साथ रहे चाहे रसिया का साथ रहे लेकिन मेन अभी थ्रेट है हम लोग के लिए चाइना। चाइना एक ऐसा देश है जो अभी एक तरह से खेल खिलवाड़ करने में लगल है, कहाँ एकदम बैलून उड़ा रहा है, ई देश में उड़ा रहा है, खनू देश में उड़ा रहा है, पतंग उड़ाने टाइम बैलून उड़ा रहा है, खन उसमें का डाल दे रहा है, कुछ और चिप डाल दे रहा है, स्पाइंग कर रहा है, तो सबको देखते हुए एक तरह से बहुत थ्रेट है जी हम लोग को, हम लोग का पड़ोसी इतना खतरनाक है, फालतू का दोगला है एकदम घटिया चाइना, चाइनीज माल के तो एकदम बहुत ही बेकार रहता है चाहे वो लड़की है काहे ना रहो, तो बात ऐसा है हम लोग उसी को लेके चलना पड़ रहा है कि चाइना वाला भी ऐसा कर रहा है, तो हम लोग उसी के आधार से हम लोग अभी खुद से एक तरह से प्रिपेयर होना है कि नहीं अगर वो बैलून उड़ा रहा है तो हम लोग को प्रिपेयर होना है, क्या है कि हम लोग सबसे नज़दीक सोचिए जब वो अमेरिका पहुंच गया है तो हम लोग तो
इंडिया में है, उसके बहुत सामने है, तो हम लोग को भी बहुत तरह खतरा मंडरा रहा है। और बात करें एयरो इंडिया 2023 की, तो 13 फरवरी से लेकर 17 फरवरी तक पूरा दुनिया का एक तरह से वहाँ पे एयरक्राफ्ट आएगा और वहाँ पे शो होगा। और इसमें इसका जो थीम है द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज, याद रखिएगा ये थीम, ये बहुत ही एक तरह से इम्पोर्टेंट थीम है एयरो इंडिया के लिए। और ऐसे और वीडियो के लिए धन्यवाद हमारे वीडियो को देखने के लिए। और ऐसे वीडियो के लिए अगर आपको अच्छा लगा हमारा वीडियो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलते रहे और ऐसे और हम वीडियो बनाते रहे। थैंक यू।